जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं आज एसुस का एक ऐसे लैपटॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरा मानना यह है कि वो वर्ल्ड में ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर इतने सारे फीचर हैं और इतने लेटेस्ट फीचर हैं जो कि किसी और ब्रांड में आपको मिलेंगे ही नहीं देखने को। और अगर आपका बजट 1 लाख या 1,10,000 या 1 लाख के आसपास है तो मैं मानता हूँ इससे अच्छा आपके पास आपके लिए कोई लैपटॉप नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कौन सा लैपटॉप है, मॉडल नंबर क्या है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसका प्राइस क्या है, सारा कुछ मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। और मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैपटॉप है, सबसे अच्छा लैपटॉप है, वर्ल्ड में ऐसा लैपटॉप नहीं है, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। तो मैं सबसे पहले आपको लैपटॉप दिखाता हूँ। तो मेरे पास में जो लैपटॉप है एसुस का लैपटॉप है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो लैपटॉप है इसका मॉडल नंबर है ज़ेनबुक डियो और इसके साथ एक लैपटॉप और लॉन्च हुआ है, इसमें ज़ेनबुक प्रो डियो। तो दो लैपटॉप लॉन्च हुए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये पूरा आपका मेटलिक फिनिश बॉडी आता है इसका, 14 इंच का ये लैपटॉप है। और अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं इसके बारे में जो बोल रहा था, ये जो लैपटॉप है ये डुअल स्क्रीन के साथ आता है। सबसे मेन चीज़ ये है जो मैंने आपको बताया, किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगा ये। एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डुअल स्क्रीन में आपका मिलता है। एक स्क्रीन आपको ये मिल रहा है जो कि टच स्क्रीन है, एक दूसरा स्क्रीन ये मिल रहा है, ये 14 इंच का स्क्रीन है। अगर मैं सबसे पहले मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूँ, उसके बाद इसके सारे फीचर बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं इसके अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत हाई एंड लेवल का कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं आपको इसके सारे फीचर बताऊँगा, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है i7 10th जनरेशन। और 10th जनरेशन में दो तरीके के प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं, एक आइस लेक प्रोसेसर लॉन्च हुआ है और एक कॉमेट लेक प्रोसेसर लॉन्च हुआ है। तो इसमें जो प्रोसेसर है वो आइस लेक प्रोसेसर है, जिसमें प्रोसेसर का जो ट्रांजिस्टर का साइज होता है वो 10 नैनोमीटर है। तो ये द बेस्ट है, इसका जो प्रोसेसर है द बेस्ट है। और इसमें कॉमेट लेक भी आता है। बाकी का मैं प्रोसेसर का जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। प्लस इसके साथ में मैं आपको जनरेशन है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे ये सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मैं अब आपको इसके नेक्स्ट बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें जो रैम है वो 16 GB की रैम है इसके अंदर, और 32 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हैं इसको। प्लस इसके साथ में आपको 1 TB का SSD मिलता है, जो कि और किसी ब्रांड के अंदर आपको SSD 1 TB आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। आपको 512 मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको 1 TB मिलता है जो कि NVMe है। SSD दो तरीके की SSD आती है, एक SATA SSD आती है, एक NVMe। NVMe जो SSD है वो द बेस्ट है। तो इसका मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं इसका जो NVMe में उसकी बात कर लेता हूँ, इसमें NVMe SSD लगा हुआ है जो 30 टाइम फास्टर होता है हार्ड ड्राइव से, और ये मैक्सिमम SSD है। और मैं अगर इसके ग्राफिक कार्ड की मैं बात करता हूँ, इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ आपको 2 GB का GeForce NVIDIA ग्राफिक कार्ड मिलता है जो भी सबसे लेटेस्ट है, 250 मिलता है इसके अंदर। और बाकी की सारी ब्रांड में अगर आपको कंपैरिजन करेंगे तो उसमें आपको MX 150 तक ही मिल सकता है, लेकिन इसमें MX 250 मिल रहा है GeForce NVIDIA का। और अगर मैं अब इसके फीचर की मैं बात कर लेता हूँ, तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ इसमें बता देता हूँ, इसमें जो आपको डिस्प्ले मिल रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसकी स्क्रीन है, इसकी डुअल स्क्रीन है। इसके अंदर में आपको पहला स्क्रीन मिलेगा आपको 14 इंच का, जो कि 90% बॉडी रेशियो है। मतलब बॉडी रेशियो का मतलब ये हो गया कि आपको 90% स्क्रीन मिलता है आपको देखने के लिए। और इसका 4-साइड नैरो बेजल है, जो कि नॉर्मली आपको लैपटॉप में नहीं मिलेगा। ओनली 3-साइड 2-साइडेड नैरो बेजल मिलता है, यहाँ पे आपको 4-साइडेड नैरो बेजल मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको दूसरी स्क्रीन के बारे में बता देता हूँ, जो दूसरी स्क्रीन है इसका जो साइज है वो है 12.6 इंच, और इसका जो साइज के साथ साथ इसका जो कीबोर्ड और परफेक्शन आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट है। दूसरा इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है, और इस ये किस काम में आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मल्टीटास्किंग के काम आती है, एक साथ में 4, 5, 10 जितने चाहे उतने काम कर सकते हैं एक साथ में। और इसके साथ साथ ही साथ में सर यहाँ पे आप दोनों स्क्रीन पे अभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको डेमो देके। अब मान लीजिए मैंने ये खोला,
तो मैं इसे ऊपर मिनिमाइज करने की जगह मैं इसे क्लिक करके इसे अंदर इस यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया ये एक विंडो, तो मैं ऐसे इसे यूज कर सकता हूँ। अब मुझे ऊपर करना है तो मैं सर ऐसे कर लूँगा इसको। दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मुझे इसे यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। तो मैं आपको इसमें बता रहा था जो डुअल स्क्रीन है इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप इसमें डुअल स्क्रीन में आप देख सकते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे वीडियो ऑन कर दिया, आप मूवी देख सकते हो साथ वीडियो देख सकते हो, साथ ही साथ में आप यहाँ पे पूरा 14 इंच की स्क्रीन पर आप सारा काम कर सकते हो। इसके साथ साथ में ये तो आप देख रहे, ये बेस्ट चीज़ है और आने वाले समय मुझे लगता है बाकी की ब्रांड भी ये कॉपी करेंगी। दूसरा मैं इसके बारे में और बता देता हूँ इसमें जो जो फीचर है वो। इसका जो स्क्रीन है वो स्क्रीन आपको मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मिलता है पेंटोन वैलिडेटेड स्क्रीन, जो कि आपको परफेक्ट कलर देता है जो बाकी की ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा। और एलईडी डिस्प्ले आ रहा है इसमें, फुल एचडी मिल जाता है, आईपीएस मिल जाता है, लेकिन इसमें आईपीएस भी है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे sRGB 100% sRGB के साथ साथ में आपको ये देख रहे होंगे पेंटोन वैलिडेटेड स्क्रीन, जो कि बहुत परफेक्ट साइज परफेक्ट कलर आपको देती है। आपको एक एक कलर आपको परफेक्ट दिखेंगे, यहाँ ब्लैक है तो पूरा डार्क ब्लैक दिखेगा, पूरी चीज़ें आपको परफेक्ट दिखेंगे। इसके साथ साथ में आप यहाँ पे सारे इसके फीचर लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे जो फीचर लिखा हुआ है, एक आपको यहाँ पे वाईफाई मिलता है। वाईफाई का नॉर्मली हर ब्रांड में आपको लोअर वर्जन मिलता है, इसमें आपको सबसे लेटेस्ट मिल रहा है वाईफाई 6, जिसका आपको जो स्पीड मिलती है वो मिलती है 2.4 Gbps की। और इसका अब मैं अगर इसकी वेट की बात कर, बाकी का बहुत सारे और भी फीचर हैं, अगर मैं और छोटे छोटे बता देता हूँ तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, IR कैमरा, यहाँ पे आपको IR कैमरा मिल जाता है, जिससे कि आप अपना फेस लॉक अनलॉक कर सकते हो, सिस्टम को फेस से ही अनलॉक कर सकते हो, और डार्क जैसे आप डार्क उसमें हैं तब भी आपका ये फेस अनलॉक कर देगा, अनलॉक और लॉक कर सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ इसके जो वेट की, तो इसका जो वेट है ओनली 1.5 kg है इसका वेट। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो प्राइस ओनली 1,10,000 है, 1,10,000, 1,12,000 या 1,11,000 तक में आपको इजीली हर जगह पे मिल जाएगा, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी आपको इसी रेट में आपको मिल जाएगा। और अगर मैं ये सारा कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई नया कुछ जानना है, नया कुछ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।